आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है, कोल्हापुर में मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं, हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है तुम कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे हथियार लेकर तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे। अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर, नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे।